वेलकम टू रंगारी सर अकेडमी। आज के लेक्चर में अपन साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज डिस्कस करेंगे। तो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज फॉर्म करने के लिए ग्लूकोज का आपको ओपन कार्बन चेन स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो फर्स्ट अपन ओपन कार्बन चेन स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे और उससे अपन साइक्लिक में कन्वर्ट करेंगे। तो ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं। यहाँ पे 6 कार्बन अपन एक स्ट्रेट लाइन में ड्रा करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स। फर्स्ट नंबर ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड हुआ करता है, तो यहाँ पे मैंने एल्डिहाइड शो किया। बाकी सभी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करना है, तो सभी कार्बन की यहाँ पे वैलेंसी कंप्लीट होगी। कार्बन की वैलेंसी होती है 4। ओके, अब हर किसी सिंगल कार्बन के साथ यहाँ पे सिंगल हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच करना है, लेकिन यहाँ ये वैलेंसी कंप्लीट करने के बाद नंबरिंग करना है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, फिर क्या करना है, हर किसी एक कार्बन के साथ एक ही हाइड्रोक्स होना चाहिए, लेकिन थर्ड नंबर का हाइड्रोक्स जो होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करना है। बाकी जो कार्बन है उसके साथ जो OH हाइड्रोक्सी अटैच होगा वो राइट हैंड साइड में होगा, दैट इज हियर जस्ट लाइक टू। ओके, बाकी रिमेनिंग जो बॉन्ड है वहाँ पे अटैच होगा हाइड्रोजन। तो ये बना आपका एक ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर, इसको अपन बोलेंगे ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज, और इस ग्लूकोज को अपन डी ग्लूकोज पढ़ेंगे। अब करना क्या है, अपन को ओपन डी ग्लूकोज को क्लोज ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे कार्बन कुल मिला के 6 होते, उनमें से क्लोज करने के लिए जो ग्लूकोज के कार्बन रिस्पॉन्सिबल है, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5 रिस्पॉन्सिबल है। तो होता क्या है, 5 नंबर का हाइड्रोक्सी रिमूव होके कार्बन नंबर 1 से बाइंड करेगा, और कार्बन नंबर 1 का ऑक्सीजन डायरेक्ट बाइंड करेगा कार्बन नंबर वन में जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन बाइंड करेगा कार्बन नंबर 5 के साथ। यहाँ पे एक हेमी एसिडल फॉर्म होगा, और हेमी एसिडल फॉर्म होने से ओपन कार्बन चेन स्ट्रक्चर क्लोज कार्बन चेन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो प्रकार के कंपाउंड बना सकता है, एक अल्फा डी ग्लूकोज और एक बनाएगा बीटा डी ग्लूकोज। तो हियर कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 इधर भी ड्रा कर दिया मैंने, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 अल्फा एंड बीटा फॉर्म होता है करके मैं दो कंपाउंड यहाँ पे दो साइड में कंपाउंड ड्रा कर रहा हूँ। ओके, अब क्या होता है, इसका OH निकल के कार्बन नंबर 1 से अटैच होगा, तो यहाँ पे OH आ जाएगा, ये एच जैसा का वैसा होगा। जैसा इसका OH निकल के यहाँ पे अटैच होगा, तो ये जो ऑक्सीजन है ये डायवेलेंट से क्या हो जाएगा, मोनोवेलेंट। ओके, और ये जो मैं इसको इस तरीके से राइट कर रहा हूँ, ऑक्सीजन डायवेलेंट से क्या हो गया, मोनोवेलेंट। बाकी 2, 3, 4 में कोई भी और किसी प्रकार का चेंजेस होगा नहीं। तो यहाँ पे एज इट इज जैसे का वैसा अपन राइट कर रहे हैं। अब फिफ्थ नंबर में क्या हुआ है, इसका हाइड्रोक्सी ग्रुप जाने से ये टेट्रावेलेंट से ट्राइवेलेंट हो गया। ओके, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है 1, 2, 3, तब ये भी वैलेंसी कंप्लीट नहीं और ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं, तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बनेगा जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, और इस बॉन्ड को ही अपन बोलते दैट इज हेमी एसिटल बॉन्ड। इसको अपन हेमी एसिटल बॉन्ड बनेंगे, और हेमी एसिटल बनने से ही ओपन से क्या हो गया, क्लोज हो गया। बाकी 6 नंबर का कार्बन एज इट इज सेम रहेगा, सेम इधर भी वही हुआ है, कार्बन नंबर 4 कार्बन 5 का हाइड्रोक्सी ग्रुप निकाल के 1 पे अटैच होगा। तो 1 पे अटैच करने के बाद इसका हाइड्रोक्सी मैंने लेफ्ट हैंड साइड में अटैच किया हो, इसका हाइड्रोक्सी निकाल के 1 में मैंने राइट हैंड साइड में राइट किया हो, तो राइट हैंड साइड में अटैच होने से अल्फा बनता है और लेफ्ट हैंड साइड में अटैच होने से बीटा फॉर्म होगा। ओके, तो ये कार्बन का एज जैसा का वैसा, जैसा इसका फिफ्थ नंबर का हाइड्रोक्सी 1 पे अटैच होगा, तो इसका जो का ऑक्सीजन है ये डायवेलेंट से क्या हो जाएगा, मोनोवेलेंट हो जाएगा, जो यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ। ओके, बाकी 2, 3, 4 में कोई चेंजेस नहीं होगा, जस्ट लाइक टू हियर दैट एज इट इज सेम। अब फिफ्थ नंबर में देखोगे आप, इसका हाइड्रोक्सी गया है, और जब हाइड्रोक्सी गया तो ये फिफ्थ नंबर कार्बन टेट्रावेलेंट से ट्रावेलेंट बन गया, ये भी वैलेंस कंप्लीट नहीं, इसकी वैलेंस कंप्लीट नहीं, तो इनके बीच में अब क्या बनेगा, एक बॉन्ड बनेगा। ओके, इसको बोलते हैं हेमी एसिटल, जिससे ओपन से क्या हो गया, क्लोज हो गया, और बाकी यहाँ पे जैसा का वैसा रहेगा। ओके, तो इमेजिंग कीजिए द कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 हियर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये जो बना, ये बनेगा बीटा और ये बनेगा अल्फा। तो ग्लूकोज के डी अल्फा और बीटा में क्या होता है, कार्बन नंबर 1 पे अल्कोहल होता है, यहाँ पे भी दिखेंगे और यहाँ पे, लेकिन प्लेन अदर देन टू अल्फा बीटा, जो प्लेन ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज जो होता है उसके कार्बन नंबर 1 में एल्डिहाइड होता है। ओके, तो जब इसको मैं कैसे राइट करेंगे, देखिए आप इमेजिंग कीजिए, कार्बन नंबर 1 है, देन
कार्बन नंबर फर्स्ट, देन ए सेकंड, ए थर्ड, ए फोर्थ, ए फिफ्थ, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 किससे जुड़ा है? इधर ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन किससे जुड़ा है आपका? 1 से। तो ये ओपन कार्बन स्ट्रक्चर कहना क्या, किसमें हो गया? क्लोज, तो क्लोज कार्बन चेन का स्ट्रक्चर बना और इसी ये जो कंपाउंड बना इसको बोलेंगे अपन हेटरोसाइकल कंपाउंड। यहाँ पे आपको जो मॉइटी दिख रही है पायरेन मॉइटी। फिर क्या होता है, इससे सबकी बैलेंस अपन क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने बैलेंस किया, जो राइट हैंड साइड में रखे गए माइटी है उसको अपन डाउन साइड में लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में रखी हुई माइटी उसको अपन अप साइड लिखेंगे। यहाँ पे क्या दिखेंगे आपको? एच। यहाँ पे क्या दिखेंगे आपको? ओ एच। यहाँ पे क्या दिखेंगे आपको? एच। फोर्थ नंबर में यहाँ पे दिखेंगे आपको ओ एच। फिफ्थ नंबर में क्या है? एच है, ओ, और इसी फिफ्थ में शायद क्या जुड़ा है? सी एच टू। फिफ्थ के साथ ये सी एच टू ओ एच है, इसको अपन डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में सी एच टू ओ एच लिखेंगे। जो लेफ्ट हैंड साइड में उसको अपन अप साइड में लिखेंगे ओ एच। ओके, देन ये रहेगा एच, ये रहेगा यहाँ पे ओ एच, यहाँ पे रहेगा आपका फोर्थ में एच। तो ये ओपन से क्या बन गया? क्लोज बन गया। लेकिन क्लोज में क्या होता है, कार्बन नंबर वन में जो हाइड्रोक्सी इधर लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है, इसका फिफ्थ का ओ एच निकल के फोर्थ पे जब अटैच होता है और ये लेफ्ट में शिफ्ट हुआ तब बनेगा बीटा। ओके, दैट इज द बीटा, बीटा डी ग्लूको पायरेनोज। ओके, अब इसको पायरेन क्यों बोला गया? क्योंकि जो ओपन से क्लोज होता है और यहाँ पे हेमियाफिल बनता है, यहाँ पे सिक्स मेंबर की पायरेन रिंग बनती है, करके इसको बोला गया पायरेनोज। ओके, इसको अपन शॉर्टली इस तरीके से राइट कर सकते हैं, जस्ट लाइक टू हियर दैट। दैट इज दी ओ एच 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 ओ एच ओ एच एच ओ एच 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 सी एच टू ओ एच। ये रहा अपना बीटा डी ग्लूको पायरेनोज। इसकी बात करते हैं, सेम फर्स्ट सेकंड कार्बन, देन थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन। ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। फिफ्थ किस जुड़ा है? ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन किस जुड़ा है? फर्स्ट से। इसकी बैलेंस अपन क्या करेंगे? अब बैलेंस करेंगे। अब देखो ये जो है उसको अपन डाउन साइड लिखेंगे, दैट इज दी ओ एच, देन अगेन टू दी ओ एच, देन अगेन टू दी एच, देन अगेन टू दी ओ एच। ये क्या होगा फिर आपका? फिफ्थ में एच, और ये क्या देखेंगे आपको? सी एच टू ओ एच। ओके, अब ये जो पार्ट है उसको अपन अप साइड में लिखेंगे एच एच ओ एच, देन अगेन टू दी एच। तो इसी को अपन शॉर्टकट में इस तरीके से राइट कर सकते हैं। ओके, दैट इज दी एच ओ एच एच ओ एच ओ एच एच ओ एच 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 सी एच टू ओ एच। इसको अपन जो पढ़ेंगे अल्फा, ये जो होगा अल्फा डी ग्लूको पायरेनोज। ओके, तो जब साइक्लिक स्ट्रक्चर जब बनता है ग्लूकोज का, डी ग्लूकोज का, तो इसके दो आइसोमर होते हैं, एक होगा बीटा और एक होगा अल्फा। बीटा में फर्स्ट नंबर पे हाइड्रोक्सी आपका राइट साइड में होता है जो आपको दिख रहा है यहाँ पे। ओके, और अल्फा में जो हाइड्रोक्सी होता है वो बीटा में जो हाइड्रोक्सी होता है फर्स्ट नंबर में लेफ्ट हैंड साइड में होता है, और अल्फा में जो हाइड्रोक्सी होता है फर्स्ट नंबर पे वो राइट हैंड साइड में होता है। तो देखो आपको फर्स्ट नंबर पे कार्बन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और ये सिक्स, यहाँ पे कार्बन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और ये सिक्स। देखो फर्स्ट पे ओ एच यहाँ पे अपर दिखेगा, फर्स्ट पे ओ एच यहाँ पे लोअर दिखेगा। तो ये रहा आपका बीटा, ये रहा आपका अल्फा। ठीक है, जब ओपन से क्लोज बनता है तो यहाँ पे एक पायरेन रिंग फॉर्म होती है। ओके, करके यहाँ पे क्या बोला गया? अल्फा डी ग्लूको पायरेनोज, और इसको बोलेंगे अब हम बीटा डी ग्लूको पायरेनोज। सर यहाँ पे बहुत से क्वेश्चन आते हैं, कार्बन नंबर फिफ्थ ने हाइड्रोक्सी फर्स्ट को क्यों दिया, इसके पीछे रीजन क्या है? तो क्या होता है ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में, यहाँ पे ये कार्बन के नीचे का जो कार्बन है ये है प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी अल्कोहल। ओके, और प्राइमरी अल्कोहल के ऊपर का जो कार्बन है ये है सेकेंडरी अल्कोहल। तो टू से लेके फाइव सभी सेकेंडरी अल्कोहल है, लेकिन फिफ्थ वाला ही क्यों शेयर करता है? तो ग्लाइसरल्डिहाइड के केस में अगर आप देखोगे तो जो आइसोमर बनता है डी और एल, तो कार्बन प्राइमरी अल्कोहल के ऊपर वाला कार्बन जो होता है सेकंड नंबर का, वही डी और एल क्या करता है? फॉर्म करता है डिपेंडिंग अपॉन हाइड्रोक्सी शिफ्ट ऑफ राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो प्राइमरी अल्कोहल के अपर वाला कार्बन अल्कोहल ही रिस्पॉन्सिबल है जो अल्फा और बीटा फॉर्म करता है, करके कार्बन नंबर फिफ्थ ही रिस्पॉन्सिबल है ओपन को क्लोज करने में
ओके और यहाँ पे जब ओपन सर्कुलर होता है तब हेमीएसिटल फॉर्म होती है। देन सेकंड टर्म यहाँ पे ये होती है कि जो ये फिफ्थ नंबर कार्बन है हेमीएसिटल फॉर्म होने से ओपन से क्या बनेगा क्लोज कार्बन में क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे जो बेसिक मॉलिक्यूल होती है पायरन, ये आपका ग्लूकोज का एक सिंपल स्ट्रक्चर। और फर्स्ट नंबर में अल्फा बीटा फॉर्म होने से कार्बन नंबर फर्स्ट को अपन एक एनामोरिक कार्बन बोलेंगे, दैट इज द एनामोस। ओके